है कि हमारा गणतंत्र से योग हो रहा है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर और देखते हैं कि आज के देश दुनिया में लोग कैसे मना रहे हैं। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं जयाचार्य कैमरामैन तेनवीर के साथ आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करती हूँ। और आज के शुभ अवसर पर हम MLA का इंटरव्यू लेने वाले हैं। पर ये MLA पर ये नेताजी कहाँ है? मिठाइयाँ खा ले। हाँ हाँ हटो हटो, मुझे अब मिठाई खाने जाना है।
अरे अरे आप ना रुकिए, मैं जोया चंदा टीवी से, आपका नाम वैष्णवी और आप आज कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग मॉल, आज तो छुट्टी है और शॉपिंग मॉल में सेल भी लगी हुई है, आज तो मैं पूरा दिन शॉपिंग ही करूँगी। और आप? आज तो हॉलीडे है, मैं तो घर पे सारा दिन बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी व्हाट्सएप फेसबुक पर। खैर जाइए, ये लोगों को छुट्टी मनानी है, कोई व्हाट्सएप पर बिजी रहेगा तो कोई शॉपिंग करेगा, इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी कोई ये काम करते हैं। चलिए किसी और से बात करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, यहाँ आप लोग, आप, मैं चंदा टीवी से जोया, आपका नाम धीरज और आपका वो है। और आप? मैं तो सोने नहीं दूंगा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज क्रिकेट मैच देखूंगा। चलिए चलिए, एक आज सोएंगे, पता नहीं कितने दिनों से नहीं सोए, इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी को सोना याद आ रहा है। प्लीज रुकिए, मैं जोया चंदा टीवी से, आपका नाम अमृता और आपका अनिष्का, आप तो आज कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले तो आपको छठी डिलीवरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जी आपको भी। मैं मिठाई लेकर बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम जा रही हूँ। और आप? मैं बच्चों अनाथालय में बच्चों के लिए ये पुराने खिलौने देने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग प्लीज आइए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये लोग बुजुर्गों के लिए मिठाइयाँ और अनाथ बच्चों के लिए कपड़े खिलौने सब लेकर जा रहे हैं, तो चलिए किसी और से बात करते हैं। You're beautiful.
पीपल्स इन इंडिया डोंट नो देयर राइट्स, डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट नो देयर फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सो आई वेलकम देम विद देयर फॉर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट देम टॉक विद अस. मैं बी आर अम्बेडकर और मेरे टीम ने मिलकर बहुत समय और मेहनत से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में सब रिलीजन एक है और इसमें सब बराबर है और सबको इसका पालन करना पड़ेगा. द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 6.10 मिलियन एट दैट टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. सो टेक अ रेजोल्यूशन, वी वॉन्ट टू चेंज इट. We don't want a situation like this. So now let's talk about the judiciary of country. Now let's see what affecting on the judiciary of our country. उन्होंने इनके भाई का कत्ल किया है. तो इस चीज से इन्होंने केस किया है. तो जस्टिस कीजिए. Objection, my lord. Objection. Objection overruled. My lord, मेरे पास एक गवाह है जिसने एक खून होते हुए देखा है. अगर आपकी मर्जी हो तो मैं उनके उन्हें बुलाना चाहता हूँ. गवाह को कटघरे में बुलाएगा. सो दिस वॉज अवर राइट टू इक्वालिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज समानता का अधिकार इन हिंदी. इट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. इट एंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ, वेदर इट वुड बी अ प्रेसिडेंट और एन ऑर्डिनरी सिटीजन. So now, let us move towards the next fundamental right, that is right to freedom. It is also known as Samanta ka adhikar in Hindi. झाड़ू मार रहा था मालिक. उधर क्लीन नहीं हुआ और इधर जब से यही झाड़ू मार रहा है. पहले यहाँ मारूंगा बाद में वहाँ. मालिक से जबान लड़ेगा तू? मालिक से जबान लड़ेगा? इसका ये मेरा नौकर है, इसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. मैं मानता हूँ ये तुम्हारा नौकर है, लेकिन इसकी आयु तो देखो, ये तो 14 वर्ष से कम उम्र वाला है. तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? मैं इसे पैसे देता हूँ, उन्हीं पैसे से इसका घर चलता है. मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ. मैं मानता हूँ तुम्हारा नौकर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है? क्या जेल? वो क्यों बोला? One, two, three, four, five, six, seven, eight.